दिस ब्लॉग बेसिकली टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर. हमारा अध्येता, हमारा विद्यार्थी, हमारा शिक्षार्थी कौन है, जिसको पढ़ाने के लिए, जिसको पढ़ने में मदद करने के लिए हम टीचर के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द लर्नर, व्हेन वी टॉक अबाउट द लर्नर, जब हम अपने लर्नर के बारे में बात करते हैं, तब पहली चीज है हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे सारे शिक्षार्थी, हमारे सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते. हमारे स्टूडेंट्स के बीच कुछ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज होती हैं, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है और जिनको समझे बिना हम अपना शिक्षण अधिगम, अपनी टीचिंग लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते. यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में 2011 में लिखा दैट सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड रेस, क्लास, एबिलिटी, डिफरेंट लर्निंग कंडीशंस एंड स्टाइल्स, इथनिसिटी, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड अदर डायमेंशंस दैट मेकअप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड इम्पैक्ट हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस. अर्थात जब हम क्लासरूम में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमारी कक्षा में विविध आयु वर्ग के बालक या बालिकाएं, विभिन्न धर्मों के, राष्ट्रीयता तो कुल मिलाकर बहुत सारे विद्यालयों में भारतीय है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कई बार कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में एक से ज्यादा नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं. अलग अलग योग्यताएं हैं उनमें, उनकी लर्निंग कंडीशंस जहां वो पढ़ते हैं वो अलग अलग हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं. एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट लर्नर, इज अ यूनिक लर्नर. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु आर आवर लर्नर्स, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी कौन है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों में विविध आधारों पर विभिन्नताएं हो सकती हैं. हमारे क्लास में ऐसे चिल्ड्रन हो सकते हैं जो डिफरेंट डिप्राइव्ड और बैकवर्ड क्लासेस से हो. हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनमें लैंग्वेज डाइवर्सिटीज हो. लैंग्वेज डाइवर्सिटीज को केवल ये मत समझिए कि वो हिंदी बोलने वाले या अंग्रेजी बोलने वाले हो सकते हैं, या वो केवल क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले हो सकते हैं. जब हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी के कैनवास को थोड़ा ब्रॉड करते हैं तो जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनको भी हमें इस डाइवर्सिटी में इंक्लूड करना पड़ता है. जैसे एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हो सकता है कि सारे बच्चे ठेठ, जो खड़ी बोली की हिंदी है, वो बोलने वाले ना हो. कक्षा में कुछ अवधि बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ भोजपुरी बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ झारखंड की हिंदी बोलने वाले हो सकते हैं. तो इवन विद इन द सेम लैंग्वेज देर आर डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन डायलेक्ट्स. और जब उनके डायलेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो उनकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है. जब उनकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है तो एक ही वस्तु के लिए वे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं और आप एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको उनमें भी समानता स्थापित करने की आवश्यकता होती है. देन चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस कास्ट, यस देर आर चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस कास्ट, ये आप जानते हैं. डिफरेंट रिलीजन के चिल्ड्रन है, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के चिल्ड्रन है, और ये भी पॉसिबिलिटी है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अपने विद्यालयों को चलाते हैं जो ये कहता है कि प्रत्येक विद्यालय एक इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए. तो उस स्कूल में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी हो सकते हैं. आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो दृष्टिबाधित हों, जिनमें सुनने में कुछ दिक्कत हो, उनमें हो सकता है कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो सकता है उनमें कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो, कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी हो. इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं. कुल मिलाकर जब हम सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा शब्द है. इसमें डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटीज आर इंक्लूडेड, राइट. अब बात आती है कि इन लर्नर्स को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं. अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर्स की बात करें तो
फैमिली स्ट्रक्चर एक ऐसा फैक्टर है जो लर्नर को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार के परिवार से आते हैं, वे एकल परिवार से आते हैं, वे सामूहिक परिवारों से आ रहे हैं, वो कंपाउंड फैमिली से आ रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हैं, फैमिली में उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं या सिंगल पेरेंट वर्किंग है, इन सब चीजों का लर्नर पर इफेक्ट पड़ता है। आई हैव टॉक्ड अबाउट टू फैक्टर्स, दैट इज फैमिली स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ स्कूल। जो तीसरा फैक्टर लर्नर को इफेक्ट करता है वो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र से आता है। आप ये मानकर चलिए कि आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वे बच्चे हो सकता है कुछ ऊंचाई से उतरकर पहाड़ से आते हों, कुछ बच्चे लंबा पैदल चलकर आते हों, या जो बच्चे ऐसी जगहों पर हैं जहां पर विद्यालय पहुंचने में असुविधा है उनको। सो द ज्योग्राफिकल लोकेशन, बच्चों की जो भौगोलिक स्थिति है जिस जगह से वो आ रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल प्रभावित करता है, बच्चे के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है इससे भी बच्चा प्रभावित होता है, उनके सांस्कृतिक परिवेश की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं और उनकी भाषा की बात भी मैं कर चुका हूं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्नर्स को प्रभावित करते हैं। आप केवल इन्हीं की बात मत करिए, जब आप लर्नर को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये भी देखिए कि आपके लर्नर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर, दे आर ऑडिटरी लर्नर्स, दे आर विजुअल लर्नर्स, दे आर टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिटरी लर्नर्स, इन योर क्लास आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो सुनकर अच्छा सीखते हैं, सुनकर अच्छा सीखते हैं, आप जो बोलते हैं उसको वो सुनते हैं, जो आपस में बातचीत वो करते हैं, चाहे वो म्यूजिक सुनते हैं, चाहे वो किसी का भाषण सुनते हैं, दे लर्न बेटर। तो आज के जमाने में ऑडियो पॉडकास्ट उनके लिए एक अच्छा टूल है जिसके माध्यम से उनको शिक्षण अधिगम दिया जा सकता है। लेकिन सारे विद्यार्थी ऑडिटरी लर्नर्स नहीं होते, देर आर लर्नर्स हु आर विजुअल लर्नर्स। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल लर्नर्स मीन्स देर आर लर्नर्स हु लर्न बेटर बाई ऑब्जर्विंग थिंग्स, means they grasp knowledge mainly through their eyes. Whatever they observe, whatever they feel through their eyes, that they learn better as compared to the other things. तो कुछ कक्षा में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो visual learners हो, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो चीजों को जब तक छू कर ना देखें, खुद करके ना देखें, टच करके ना देखें, वो नहीं सीख सकते। तो ऐसे लर्नर्स को हम टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी आपकी कक्षा में हो सकती है। आपको इसीलिए जब आप अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्लान करते हैं तो आपको हर तरह के लर्नर को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात अगर आप अपना एक लेसन प्लान कर रहे हैं कि आज मैं कक्षा में ये पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये भी प्लान करना चाहिए कि मैं बोलूंगा क्या, आपको ये भी प्लान करना चाहिए मैं दिखाऊंगा क्या, आपको ये भी प्लान करना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से अवसर अपने विद्यार्थियों को दूंगा जहां मेरे विद्यार्थी उसको टच करके, किसी काम को करके, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर भी सीखेंगे। देन देर आर डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे पहले उनकी कैटेगरी है लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। वैसे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटा शॉर्ट में बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लर्नर्स को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। ऐसे लर्नर्स जिनकी आईक्यू लगभग 50 से 70 के आसपास है, और यह माना जाता है कि ऐसे लर्नर एड्यूकेबल लर्नर्स हैं। एड्यूकेबल लर्नर्स मीन्स जिनको पढ़ाया जा सकता है, जिनको हम अपनी सामान्य कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के साथ पढ़ा सकते हैं, वे सीख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिनकी आईक्यू थोड़ी कम होती है, जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं सीख सकते, जो उस पेस से उन सब्जेक्ट्स की लर्निंग नहीं कर सकते जिस पेस से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कक्षा में सीखें, बट दे आर ट्रेनेबल।
उनको कोई हस्तकार्यों की ट्रेनिंग दी जा सकती है। उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए हम कुछ ऐसी क्रियाकलापों की ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती। दे आर वेरी लेस आईक्यू इज रिक्वायर्ड फॉर दोज एक्टिविटीज, बट सच लर्नर्स आर ट्रेनेबल। देन द थर्ड कैटेगरी विच इज सीवियर कैटेगरी ऑफ द लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच आर कैटेगराइज्ड एज कस्टोडियल, मीन्स द लर्नर्स हु हैव आईक्यू बिलो 20। सो सच लर्नर्स आर कस्टोडियल लर्नर्स। उनको कस्टोडियल का मतलब उनको अपने माता पिता के देखरेख में, अपने अध्यापकों के देखरेख में, ये जो भी उनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति है उसकी देखरेख में रहना पड़ता है। तो उनको बहुत जीवन की सामान्य चीजें ही सिखाई जा सकती हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेंगे, वो बहुत अच्छे लेखक हो जाएंगे, ये थोड़ी उनसे अपेक्षा करना मुश्किल होता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लर्नर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे क्लास में कुछ ऐसे लर्नर्स भी हो सकते हैं जिनको कुछ हियरिंग इंपेयरमेंट अर्थात श्रवण बाधिता हो। माइल्ड हेयर लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मॉडरेट हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सीवियर हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो हियरिंग लॉस है ये विद्यार्थियों में कितने प्रकार का है ये आप नहीं जान सकते, लेकिन एक सामान्य अध्यापक अपनी कक्षा में यह जरूर अनुभव कर सकता है कि यदि मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं तो यदि उन विद्यार्थियों को सुनने में कुछ असुविधा हो रही है तो वो उनको पहचाने, उनको अपने जो विद्यालय में स्पेशल टीचर या स्पेशल काउंसलर या जो इस तरह के बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त हैं उनके पास लेकर जाए, उनकी परेशानियों का हल ढूंढे और उनको अपनी कक्षा में एडजस्ट होने में मदद करे। इसी तरह से आपको विजुअल इंपेयरमेंट वाले लर्नर्स भी मिल सकते हैं। जनरली तीन कैटेगरीज में हम उनको भी डिवाइड करते हैं। टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, विजुअल एक्विटी, जिनको करेक्टेड लेंस के साथ थोड़ा दिखाई दे सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर एंगल के इधर उधर दिखाई नहीं देता। तो ये सब चीजें हमने अपने मटेरियल में डिस्कस की हैं। कुल मिलाकर इस डिस्कशन का पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आप क्लास में जाते हैं तो यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आर योर लर्नर्स। देन द अदर कैटेगरी इज स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। चार तरह की स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत प्रोमिनेंट हैं जो बच्चों को देखने में मिलती हैं। द फर्स्ट इज डिसकैलकुलिया। ऐसे बच्चे जिनको गणित में, गणना करने में, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड में गलती करते हैं, वो नंबर्स की प्लेसिंग में गलती करते हैं, कई बार वो कैरी ओवर में गलती करते हैं, कई बार वो नंबर, स्पेस, टाइम, इन सबको मिक्स करके एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। कुछ डिस्लेक्सिक बच्चे हो सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको शब्द पढ़ने में असुविधा होती है, जिनको शब्द लिखने में, शब्द की स्पेलिंग अर्थात उसके जो वर्तनी है उसमें वो गलती करते हैं, उनको सुनने और पढ़ने के बीच का जो एक सिंकिंग है उसको, कॉम्प्रिहेंशन में उनको दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लेखन में दिक्कत हो, डिफिकल्टी विद राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स। उनसे आप पूछोगे वो स्पेलिंग बता देंगे, उनसे बोलो लिखोगे तो वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो थिंकिंग और राइटिंग एक साथ नहीं कर सकते। ऐसी समस्या को डिसग्राफिया कहते हैं। देन डिस्प्रेक्सिया हो सकता है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाते, आप उनको कंपास देकर एक सर्कल बनवाना चाहते हैं तो कंपास ठीक नहीं कर सकते, या आप लैबोरेटरी में जाते हैं उनको इक्विपमेंट हैंडल करने को देते हैं उन्हें वहां दिक्कत होती है क्योंकि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है। तो आप ये देखिए कि जब हम क्लासरूम में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी कितने तरह की है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, लर्निंग डिफिकल्टीज की डाइवर्सिटी है, आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हमारे लर्नर्स डिफरेंट डाइवर्सिटी के होते हैं, अतः हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कक्षा में जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले हम उन्हें जानें कि वे किस प्रकार के विद्यार्थी।